अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पार्श्व में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में श्री प्रताप कॉलेज का ये भवन है, जिसे कि अब हेरिटेज का नाम दे दिया गया है। इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में समझाया गया है। ये करीब एक शताब्दी पुराना बताया जाता है। आप देख रहे हैं कि लकड़ी और पत्थर के साथ इसका निर्माण किया गया है, तो इतने लंबे समय से, कई दशकों से, ये अपने आप में एक बहुत एक ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये जो भवन देख रहे हैं आप, इसका अब एक नया भवन भी इसके पास में बना है। आज यहाँ मतदान भी हो रहा है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को देखें आप, इसका पुराना ऐतिहासिक एंटिक तरीके से इसे यहाँ बनाया गया है। आज इस तरह के भवन बहुत कम नज़र आते हैं। वर्षों पहले जब इसको लकड़ी से बनाया गया था, उसके बाद आज भी ये लकड़ी इसी तरह बहुत सुरक्षित है। ये भवन आप देख रहे हैं, बताते हैं कि जब कश्मीर में कई साल पहले सैलाब आया था, जो आज भी लोगों को खौफ में ले जाता है, जहाँ पे J&K बॉयज बटालियन NCC लिखा हुआ है, वहाँ तक ये पानी यहाँ उस समय भर गया था। कश्मीर में चारों तरफ पानी हो गया था उस समय। इसका जो बाहर का लुकअप है, आपको किसी बहुत पुराने जमाने की याद दिलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे पीछे, यहाँ से आप इस भवन को आप यहाँ से देखेंगे तो आपको एक पूरा परिदृश्य नजर आएगा कि किस तरह ये हेरिटेज लुक में आज भी ये भवन यहाँ मौजूद है। आज यहाँ पर कई भवन बन गए हैं और ये कश्मीर का जो कॉलेज निदेशालय है, उसका भी मुख्यालय इसी कॉलेज के अंदर यहाँ बनाया हुआ है। इस समय आप देख सकते हैं आज कि शानदार इसका जो लुकअप है, इसकी जो बनावट है, ये अंग्रेजों के ज़माने की याद दिलाती है। वर्षों पहले जब इसका निर्माण किया गया था, आज ये अपने उसी रूप में यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ जो आगे के विस्तार किए गए हैं, आगे के भवन बनाए गए हैं, वो भी इसी डिजाइन के बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है, ये तमाम उसी तरह का जो यहाँ का एक संरचना है, यहाँ का जो शिल्प है, यहाँ का जो निर्माण शिल्प है, उस निर्माण शिल्प को यहाँ पे काम में लिया गया है। कश्मीर से, श्री प्रताप कॉलेज से, मैं मानक मोटमणि।